हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए नजर डालें आज के अखबार की सुर्खियों पर। एमओडी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पीएमओ अंडरमाइनिंग रफेल नेगोशिएशंस। भारत और फ्रांस के बीच विवादास्पद 7.87 बिलियन यूरो की रफेल डील के ऊपर फ्रेंच के साथ पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा किए गए पैरेलल नेगोशिएशंस यानी समानांतर बातचीत पर रक्षा मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। 24 नवंबर 2015 के एक रक्षा मंत्रालय के नोट में ये कहा गया था कि पीएमओ द्वारा ऐसे पैरेलल डिस्कशंस, ऐसे समानांतर बातचीत से ये स्पष्ट था कि इससे रक्षा मंत्रालय और भारतीय वार्ता टीम, इंडियन निगोशिएटिंग टीम की बातचीत की स्थिति कमजोर पड़ गई है। ये नोट था उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का। यहाँ आप वो 24 नवंबर 2015 का रक्षा मंत्रालय का इंटरनल नोट देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट सच पैरेलल डिस्कशंस बाय द पीएमओ हैज वीकेंड द नेगोशिएटिंग पोजीशन ऑफ एमओडी एंड इंडियन नेगोशिएटिंग टीम। वी मे एडवाइज पीएमओ दैट माय ऑफिसर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन नेगोशिएटिंग टीम मे रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग पैरेलल parleys with the officers of French government. In case the PMO is not confident about the outcome of negotiations being carried out by the MOD, a revised modality of negotiations to be led by PMO at appropriate level may be adopted in the case. तो इस नोट में एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय ने पीएमओ से ये कहा था कि कोई भी ऐसा अधिकारी जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीम, भारतीय वार्ता टीम का हिस्सा नहीं है, वो कोई भी समानांतर बातचीत फ्रेंच गवर्नमेंट से ना करे। नेक्स्ट है, आरबीआई कट्स रेट्स टू स्पर ग्रोथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। तो अब रेपो रेट है 6.25%। ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की मेडन मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था, पहली मौद्रिक नीति समीक्षा, जिसमें उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट में घटौती की है। इस घटौती से महंगाई पर संयम की उम्मीद की जा रही है। ये अपेक्षित किया जा रहा है कि वित्तीय साल 2019 के चौथे क्वार्टर में Q4 में सीपीआई इन्फ्लेशन 2.8% रहेगा। वही वित्तीय साल 2020 के H1 में ये दर रहेगी 3.2 से 3.4%, और वित्तीय साल 2020 के थर्ड क्वार्टर Q3 में 3.9% रहेगा सीपीआई इन्फ्लेशन। तो अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बैंक्स के सीईओ से मिलेंगे ताकि वो इस चीज पर बातचीत कर सके कि कस्टमर्स को, ग्राहकों को इस रेट कट को कैसे पास किया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2016 में रेपो रेट थी 6.25%, जिसको घटा के अगस्त 2017 में 6 कर दी गई थी। फिर जो जून 2018 में इसे बढ़ाकर 6.25% कर दी गई थी, और अगस्त 2018 में उसे बढ़ाकर 6.50% कर दी गई थी, और अब फरवरी 2019 में इसे फिर से घटाकर 6.25% कर दी गई है। नेक्स्ट है, ओनली 50% ऑफ पैन लिंक्ड टू आधार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन सुशील चंद्रा का ये कहना है कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आधे पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है। उन्होंने कहा कि कुल 42 करोड़ पैन होल्डर्स में से सिर्फ 23 करोड़ ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है। उनके मुताबिक सरकार उन पैन कार्ड्स को कैंसिल भी कर सकती है जो कि 31 मार्च 2019 की डेडलाइन से पहले आधार से लिंक नहीं किए गए। मिस्टर चंद्रा ने यह भी कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि कोई डुप्लीकेट पैन कार्ड है या नहीं। अगर वो लिंक नहीं हुआ है तो उस पैन कार्ड को कैंसिल भी किया जा सकता है। अगली खबर है, नवीन अनमोल स्टैच्यू ऑफ गुरु पद्म संभवा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर गुरु पद्म संभवा का 19 फीट ऊंचा स्टैच्यू
का उद्घाटन किया है। पत्थर की इस 29 टन की मूर्ति को पूर्वी भारत की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पद्मसंभवा महावीर के पास एक बड़े टैंक जिसका नाम है पद्म सरोवर, उसके बीचों बीच रखा गया है। दलाई लामा ने इस मोनेस्ट्री को 2010 में इनॉग्रेट किया था और टिबेटन शरणार्थी तकरीबन 6 दशक पहले इस क्षेत्र में सेटल हो गए थे, बस गए थे। नेक्स्ट है केरला टू गेट कंट्री सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल टनल, एक 10.7 किलोमीटर की रेलवे लाइन जिसमें 9.2 किलोमीटर की एक सुरंग भी शामिल है, इसका प्रस्ताव रखा गया है ताकि अपकमिंग विजिंजम इंटरनेशनल मल्टीपर्पज डीप वाटर सी पोर्ट से रेलवे नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सके। ये नई रेल लिंक 2022 मई महीने में तैयार होने की आशंका है। तैयार होने के बाद ये रेल टनल देश का दूसरा सबसे लंबा रेल टनल होगा। भारत का पहला सबसे लंबा रेल टनल है 11.26 किलोमीटर का पीर पंजल टनल, जो कि बनिहाल और हिलर शाहबाद को कनेक्ट करता है। उसके बाद 7.2 किलोमीटर का संगलदान टनल, जो कतरा बनिहाल और जम्मू बारामूला को कनेक्ट करता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत होगी 1,069 करोड़ रुपए और जो जमीन इसके लिए अधिग्रहित की जाने वाली है वो है तकरीबन 6.57 हेक्टेयर जमीन। नेक्स्ट है मेडिकल जर्नल्स पब्लिशर अंडर फायर। भारत में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स द इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ग्रुप, जो कि एक डॉक्टर एंड पब्लिशर है, उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप एक अमेरिकन ई सिगरेट मेकर जूल लैब्स इंक्लूसिव जूल के साथ भागीदारी कर रहा है। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेडिकल जर्नल एडिटर्स के लिए ये बिल्कुल अनैतिक है कि वो एक ई सिगरेट निर्माणकर्ता के साथ कैसे भी वित्तीय संबंध रखे। यह सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वापिंग, ई सिगरेट से जो वापिंग की जाती है, उससे नुकसान कम हो सकता है क्या? इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स जो है वो डिवाइडेड, उन सब के अलग अलग ओपिनियंस है इस चीज पे। जो एक्सपर्ट्स इसके फेवर में है वो कहते हैं कि ई सिगरेट्स में कम कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो कैंसर के रोग का कारण बन सकते हैं। दूसरा रीजन ये है फ्लेवर्स इंक्रीज अपील ऑफ सिगरेट ऑल्टरनेटिव। ई सिगरेट्स के जो फ्लेवर्स होते हैं वो सिगरेट के विकल्पों के लिए लोगों से अपील करते हैं, तो लोग सिगरेट की जगह ई सिगरेट के माध्यम से वेपिंग करते हैं। और जो एक्सपर्ट्स इसके अगेंस्ट है, ई सिगरेट के खिलाफ है, वो कहते हैं कि ई सिगरेट्स एडिक्टिव होती है, इससे लोगों को लत लग जाती है और साथ ही इसके लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, लंबे समय तक का विषाक्त का कोई डेटा नहीं है जिसे ये पता चल सके कि पहले कभी इससे कोई टॉक्सिसिटी का केस हुआ है या नहीं। और साथ ही नाइकोटीन और दूसरे नुकसानकारी केमिकल्स का लेवल इसमें अनरेगुलेटेड है, उसे रेगुलेट नहीं किया जाता है। आते हैं आखिरी पेज के आखिरी खबर पे। न्यू मार्स रोवर नेम्ड आफ्टर रोजालिन फ्रैंकलिन। ब्रिटिश द्वारा बनाया गया एक रोवर जो कि अगले साल मार्स पर जीवन के चिन्ह ढूंढने के लिए मार्स यात्रा पर निकलेगा, उसका नाम डीएनए पायनियर रोजेलिन फ्रैंकलिन के नाम पे रखा गया है। यूके के साइंस मिनिस्टर क्रिस किडमोर ने ये कहा है कि फ्रैंकलिन ने हमें पृथ्वी पर जीवन को समझने में मदद की, सहायता की और अब वो यही सेम चीज मार्स के लिए भी करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है।